लतीफा फैमिली हॉरर स्टोरी एपिसोड 1। टूटू और स्वीटू आज दोनों बहुत खुश हैं, क्योंकि आज वो लोग अपने दादा और दादी से मिलने उनके फार्म हाउस जा रहे हैं। उनके दादा और दादी कुछ दिन पहले अपने फार्म हाउस चले गए थे, मगर दादा और दादी ने फार्म हाउस जाके कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया। टूटू और स्वीटू के मम्मी डैडी ने सोचा कि क्यों ना फार्म हाउस जाके उन दोनों को सरप्राइज दिया जाए, मगर उन लोगों को क्या पता कि उनके दादा और दादी किस मुसीबत में हैं। मम्मी और डैडी ने गाड़ी में सारा सामान रख लिया। उन लोगों का फार्म हाउस में कुछ दिन रुकने का प्रोग्राम था, और फार्म हाउस जाते हुए रात में जंगल में कैंपिंग का भी प्रोग्राम था। गाड़ी में बैठते हुए मम्मी ने टूटू को बोला, टूटू अगर तुम्हें सुसु आ रही है तो अभी करके आ जाओ, बाद में मत बोलना कि जोर की सुसु आ रही है। टूटू बोला, नहीं बोलूंगा कि मुझे सुसु आ रही है। सब गाड़ी में बैठ गए। डैडी बोले, हाँ भाई सब रेडी हैं, चलें। यस चलें, सब एक साथ बोले। डैडी ने गाड़ी आराम आराम से चलाना शुरू कर दी, पुरानी गाड़ी जो थी। डैडी ने अचानक गाड़ी एक अनजान रास्ते में मोड़ दी। सबने पूछा, ये किस रास्ते से जा रहे हैं? डैडी बोले, ये रास्ता तो शॉर्टकट है। टूटू बोला, डैडी इस साइन बोर्ड पे लिखा है भूत नगर, डू नॉट एंटर। डैडी मुझे डर लग रहा है। डैडी ने कहा, डरो मत, किसी ने मजाक में लिख दिया होगा। और फिर गाड़ी जंगल वाले रास्ते में चलाना शुरू कर दी। टूटू बोला, आ रही है, आ रही है। मम्मी बोली, टूटू अब जंगल में सुसु करोगे? टूटू बोला, सुसु नहीं, चुड़ैल आ रही है। ये बोल के जोर से चीखा, इतनी जोर से चीखा कि सब डर गए। सब ने टूटू को डांटा, ये क्या मजाक है टूटू। टूटू बोला, मजाक नहीं है, साइन बोर्ड पे चुड़ैल थी, मेरा यकीन करें। मगर किसी ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। डैडी ने एक जगह गाड़ी रोक दी और बोले, यहाँ पे हम लोग कैंपिंग करेंगे। मम्मी बोली, किसी और दिन कर लेंगे कैंपिंग, अभी डर लग रहा है, टूटू ने डरा दिया है। डैडी बोले, अरे थोड़ी देर के लिए तो बैठो। डैडी बोले, कितना मजा आ रहा है ना? टूटू बोला, पापा ये जंगल में जिन भूत की आवाजें आ रही हैं। डैडी, हा, 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 हा। नहीं बेटा, ये जंगल में जानवरों की आवाजें हैं। स्वीटू ने पूछा, कौन से जानवर? डैडी बोले, चमगादड़, बंदर, चीता वगैरह। स्वीटू बोली, चीता? अगर चीता यहाँ पर आ गया तो? डैडी बोले, अरे ये जो आग जल रही है ना, इसको देखकर कोई भी एनिमल करीब नहीं आएगा। टूटू बोला, कोई भी एनिमल? डैडी, हाँ भाई कोई भी एनिमल करीब नहीं आएगा। टूटू, कोई भी? डैडी, अरे हाँ ना बोला, कोई भी एनिमल। टूटू बोला, मगर ये दोनों क्यों नहीं डर रहे? डैडी बोले, लगता है यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। मम्मी बोली, डैडी कहाँ भाग गए हमें छोड़ के? डैडी की आवाज आई, गाड़ी की तरफ आओ। मम्मी बोली, वो रहे, भागो। डैडी बोले, अब हम लोग सीधा फार्म हाउस जा रहे हैं। मम्मी बोली, अरे जल्दी बैठें गाड़ी में, क्या बातें कर रहे हैं। सब गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी सीधा फार्म हाउस की तरफ भगा दी। मम्मी बोली, वो रहा फार्म हाउस, जल्दी चला, और तेज और तेज। डैडी बोले, सब अंदर चलो जल्दी। सब भागकर हट के अंदर चले गए। डैडी बोले, क्या हुआ, आप लोग डरे हुए क्यों हैं?
दादा बोले, यहाँ कोई है जो हमें डरा रहा है। डैडी बोले, हमें भी कैंप साइट पे दो अजीब गरीब शक्ल वाली मखलूक नजर आई थी, इसलिए हम सब भी डरे हुए हैं। दादा बोले, तुम लोग हट के अंदर तो आ गए हो, मगर दरवाजे खिड़की सब बंद है, बाहर नहीं जा सकते हम लोग। डैडी बोले, क्या? फिर जिसका डर था वही हुआ, वो फिर आ गई, मगर इस दफा लगता था कि वो सबको मार डालेगी, सबको।